Good morning, children. This is your online English literature class. New Oxford Modern English, Course Book 1. And today we are reading Lesson 3, Raju's Auto Rickshaw. In previous video, we are reading this chapter and I explain this chapter. So today we are continuing with the chapter. So lesson 3, Raju's Auto Rickshaw. What's happened this story? Raju is driving his auto rickshaw. Mr. Volu is sitting in the auto rickshaw. The auto rickshaw is going slowly. Raju auto rickshaw drive kar raha tha aur Mr. Volu auto rickshaw mein baithe hue the. Aur auto jo hai slowly wo chal raha tha. Aur bahut se noise wo usse aa rahe the. Kai tarah ke noise auto se aa rahe the. The auto is very old. Auto jo tha bahut old tha, purana tha. Raju is tired. Raju isliye tired ho gaya tha, thak gaya tha. Mr. Volu is a tall man. He is very heavy. Mr. Volu ek tall, ek lamba aadmi tha aur bahut heavy tha. The auto is going slowly. Auto isliye slow chal raha tha. Mr. Volu is not happy. Mr. Volu jo hai बिल्कुल हैप्पी नहीं थे इससे. फास्टर फास्टर ही शाउट्स, तेज और तेज, फास्टर फास्टर मिस्टर बोलो शाउट किए. राजू इज गोइंग फास्टर. द ऑटो इज मेकिंग अ नॉइज. और राजू जब इसको सुना तो वो उसको फास्ट चलाने लगा और नॉइज जो ऑटो है वो से बहुत सारे नॉइज निकलने लगे. कई तरह के खट खट टर टर इस तरह के नॉइज़ निकलने लगे. नाउ द ऑटो इज़ गोइंग वेरी फास्ट. अब ऑटो जो है वेरी फास्ट चलने लगा. अब इससे क्या हुआ? अ डॉग इज स्लीपिंग एट द साइड ऑफ द रोड. एक डॉग जो है साइड में सो रहा था. द डॉग इज हियर्स द ऑटो कमिंग. डॉग को ऑटो का आने से सुनाई दिया. The auto is coming fast. बहुत fast आ रहा था. The dog opens one eyes. Dog ने अपना one eye open किया. और dog को क्या दिखा? The dog sees a cat on the wall. उसको एक wall पे cat दिखाई दिया. अब the dog stands up. खड़ा हो गया. The dogs run across the road. जो dog था across the road. Now look. अक्रॉस माने इधर से उधर जाने को कहते हैं अक्रॉस. अक्रॉस द रोड. अब इसको दौड़ के पार करने लगा. क्या हो गया तब उससे? वो करके राजू ने शाउट किया. क्यों? क्योंकि सामने डॉग आ गया था ऑटो का. ऑटो क्या हुआ? टर्न हो गया, घुमा और ऑटो क्या हो गया? स्टॉपिंग, रुक गया. हाई हाई स्टॉप शाउट्स मिस्टर भोलू. मिस्टर बोलो बहुत तेज उसने चिल्लाया. और क्या हुए? वो ऊपर ऊपर फ्लाई करते हुए और एक हैप ऑफ सै हाई 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 शाउट्स मिस्टर बोलो. नाउ ही इज़ ऑन द साइड ऑफ द रोड. साइड में रखे हुए कि द हाई ऑन द टॉप ऑफ अ हैप ऑफ द सैक के ऊपर वो गिर गए. मिस्टर बोलो इज़ नॉट हैप्पी. बिल्कुल नहीं खुश थे. एंड राजू इज़ लाफिंग. राजू को बड़े मज़ा आया, वो खूब हंस रहा था. दिस इज़ द स्टोरी. कल इसको हम लोग रीड किए थे, इसको लर्न इसका और हार्ड वर्ड्स लर्न किए थे. सो व्हाट वी आर डूइंग टुडे. आज हम लोग क्या करने हैं? आज हम लोग इसका लिखेंगे हार्ड वर्ड्स, कुछ सिलेक्ट करके उसके मीनिंग्स लिखेंगे. तो फर्स्ट CW, डेट, लेसन 3,
राजूज ऑटो रिक्शा. वन साइड वर्ड वन साइड मीनिंग. नाउ लुक चिल्ड्रेन, फिर से बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ने की बीच में ज़रूरत नहीं है. ओके नाउ चिल्ड्रेन, वी स्टार्ट टू राइटिंग वर्ड्स, कुछ डिफिकल्ट वर्ड, उसके वर्ड्स के मीनिंग. फर्स्ट वर्ड इज टायर्ड. टायर्ड, टायर्ड मीन्स वेरी. डब्ल्यू ई ए आर वाई, वेरी. नाउ सेकेंड हियर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर्स? टू लिसन, टू लिसन, एल आई एस टी ई एन, लिसन, टी साइलेंट, लिस्टन नहीं कहेंगे, लिसन. थर्ड वर्ड अक्रॉस, अक्रॉस मीन ऑन अदर साइड. अदर साइड. नाउ व्हाट इज द फोर्थ वर्ड? टर्निंग. टर्निंग मीन्स टू मूव राउंड एंड एक्सिस. एक ही जगह पे घूम जाना. फिफ्थ नॉइज, नॉइज मीन्स हार्श साउंड. हार्श साउंड. सो चिल्ड्रेन, टुडे इन क्लास वर्क, फर्स्ट डेट क्लास वर्क, लेसन थ्री, राजूज ऑटो रिक्शा, वन साइड वर्ड मीनिंग, टायर्ड वेरी, हियर्स टू लिसन, अक्रॉस ऑन अदर साइड, टर्निंग टू मूव राउंड एंड एक्सेस, नॉइस हार शाउट. दीज आर वर्ड एंड दीज आर देयर meanings. Okay children, so you should learn this word meaning with spelling. Learn the spellings of word and learn meaning of these words. Okay children, so what you are doing, learn the spellings of the words, words की spelling learn करना है और उसके meaning को आप लोग अच्छे से learn कर लें. So this is your today's work. Now bye children.